एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मीशो हॉल। तो आज का जो हॉल होने वाला है, मीशो से मैंने काफ़ी प्यारे प्यारे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्ताज, कुर्ता सेट एंड अनारकली गाउन पिक किए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, मीशो में ये न्यू कलेक्शन आया है, बहुत ही अच्छे कलेक्शन मैंने पिक किए हैं। और आज के इस हॉल वीडियो में मीशो के लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन पिक किए हैं मीशो के। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 आइटम आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और गाइस, साथ में मैंने मीशो से 2 बैग्स भी परचेज किए हैं, जो कि इस वीडियो में ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्ती से। ये एसिमेट्रिक कुर्ती मैंने पिक किया है गाइस, 500 रुपीज़ में आपको हैंड से एम्ब्रॉयडरी की हुई चिकनकारी कुर्ती मिलती है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप इसका कलर देखो कितना अच्छा कलर है, और इसमें ये सिंगल कलर ही था। तो सबसे पहले आप इसका नेक देखो, आपको ऐसे राउंड टाइप का नेक मिल जाएगा, और नेक में ना ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ मिलेगा, चिकनकारी वर्क किया है। पूरी कुर्ती में भी आपको ऐसे वर्क किया हुआ मिलेगा हैंड से। और इसका ना 3/4 आपको ऐसे स्लीव्स मिल जाएगी, स्लीव्स में भी आपको ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ वर्क मिलेगा। मतलब ये रियल में हैंड से किया हुआ वर्क है, अगर आप ऐसे ध्यान से देखोगे ना तो, क्योंकि हैंड वर्क जो होता है ना, अगर आप इसे पीछे करके देखोगे ना कुर्ती को उल्टा करके, तो समझ में आता है कि हैंड से वर्क किया हुआ है। बाकी जो कुर्ती का मटेरियल है ना गाइस, ये रेयॉन मटेरियल में है, समर के लिए एकदम परफेक्ट है। और इस कुर्ती को जो मैंने स्टाइल किया हुआ व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ स्टाइल किया, बहुत अच्छा लग रहा था। आपके ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेगा, कॉलेज के लिए परफेक्ट रहेगा। बहुत ही अच्छा चिकनकारी कुर्ती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने पिक किया है। साइज भी आपको स्मॉल टू डबल एक्सल तक इसमें अवेलेबल हो जाएगा। एंड मीशो का ही मेरा बेस्ट पिक है मेरे ख्याल से, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ चिकनकारी कुर्ती मिलता है। बहुत ही अच्छी डील मिली है मुझे मीशो में, सच में। मतलब मुझे खुद में विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसी ही क्वालिटी आ जाएगी, मतलब मशीन वर्क किया हुआ रहेगा। लेकिन ना जब मुझे रिसीव हुआ प्राइस, जब मैंने इसका देखा तो 500 था, और 500 में आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ चिकनकारी कुर्ती मिल रहा है। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट चिकनकारी कुर्ती जो मैंने पिक किया है। सेकंड जो मैंने पिक किया है गाइस, ये वाइट कलर का शॉर्ट कुर्ती मैंने पिक किया है, कॉटन, प्योर कॉटन मटेरियल में है, और इसका भी जो प्राइस रेंज है ना 500 के आसपास है। तो ये आपके ऑफिस एंड कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मुझे ये ब्लू वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ब्लू वाला कलर पिक किया है। बाकी आप ग्रीन, येलो, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है, आप वो कलर भी पिक कर सकते हो। और ये भी ना रियली में हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ चिकनकारी कुर्ती है गाइस, अगर आप ऐसे उल्टा करके देखोगे ना, बैक साइड से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा हैंड से इसमें वर्क किया हुआ है। और बहुत ही प्यारा कुर्ती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, प्योर कॉटन मटेरियल में है, समर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और इसमें आपको ऐसे 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी कुर्ती में, कुर्ती के स्लीव्स में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ भी थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। कुर्ती के अगर नेक में देखोगे ना तो यहाँ भी ऐसे हैंडक्राफ्ट किया हुआ है, बैक साइड भी आपको ऐसे थोड़ा सा हैंडक्राफ्ट किया हुआ वर्क मिल जाएगा। इस कुर्ती को मैंने जीन्स के साथ स्टाइल किया हुआ, वाइड लेग जीन्स के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आपके ऑफिस कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट है, कैजुअली भी इस कुर्ती को आप पहन सकते हो। अगर आप चाहो तो ना इसके साथ वाइट कलर का इनर भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि मिनिमल सा ना इसमें थोड़ा सा सी थ्रू का इशू है, मतलब बहुत ही माइनर सा। अगर आपको ओके है तो विदाउट इनर का भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। बाकी बहुत ही सुंदर कुर्ती है, आप इसमें डिफरेंट कलर भी पिक कर सकते हो। और ये शॉर्ट कुर्ती है, कॉलेज ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, समर के लिए बेस्ट कुर्ती है। ये था इस वीडियो का सेकंड कुर्ती। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने जा रही हूँ गाइस, इस वीडियो का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट, इसका जो प्राइस आप सुनोगे ना, ये पूरा चिकनकारी अनारकली गाउन है, और सच में इसके हिसाब से इसका प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले मैं पूरा आपको ओपन करके दिखा देती, इसके साथ आपको अलग से ऐसे इनर मिल जाएगा, कॉटन मटेरियल का है ये। और इसमें आपको ना 6 से 7 डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, आप अपने एक चॉइस के अकॉर्डिंग कलर पिक कर सकते हो। बाकी इसका फ्लेयर आप ट्राई ऑन में देखना कितना सही फ्लेयर दिया हुआ है। और जो प्राइस है इसका ना 1500 रुपीज़ है, 1500 में आपको ये प्योर चिकन करी अनारकली गाउन मिल रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। साइज इसमें ना स्मॉल टू डबल एक्सल भी थे, मैंने स्मॉल साइज़ पिक किया है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, परफेक्ट फिटिंग हो रहा था। आप लेंथ देख सकते हो, पूरा ट्राई
ऑन में। तो अगर आपकी हाइट ना 5'2" से 5'5" है तो बहुत परफेक्ट होगा ये अनारकली गाउन। तो इस अनारकली गाउन को मैंने पेयर किया हुआ है ऑफ वाइट कलर के ट्राउजर पैंट के साथ, वो मैंने ऑफलाइन परचेस किया था लास्ट ईयर। बाकी बहुत ही प्यारा गाउन है, पूरा आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इसका नेक देखोगे ना, बहुत ही प्यारा इसमें हैंडक्राफ्ट किया हुआ है। बैक साइड में भी आपको ऐसा मिल जाएगा एंड फ्रंट में भी आप देखो बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, वो भी हैंड से किया हुआ है। और इसमें 3/4 स्लीव्स मिल जाएगा, स्लीव्स में भी ना ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। बाकी इसमें अलग से सी थ्रू का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा, अलग से इसमें इनर दिया हुआ है। और ये वाला अनारकली गाउन ना किसी ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। आप डिफरेंट कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। मुझे एक्चुअली ये वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाला कलर पिक किया है। आप डिफरेंट कलर भी पिक कर सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल थे। और पूरा साइज फिट आप ट्राई ऑन में देखना, इतना मस्त लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। आप चाहो तो इसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ भी पेयर करके पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। जो मटेरियल है ना गाइस, ये जॉर्जेट मटेरियल में है और इसमें ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी पूरा किया हुआ है। मुझे इस गाउन का प्राइस बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल लगा एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छे कलर मुझे रिसीव हुआ है। जैसा कलर मैंने डिस्प्ले पे देखा था सेम कलर मुझे रिसीव हुआ है। तो ये था इस वीडियो का थर्ड चिकनकारी। नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ गाइस, भी चिकनकारी कुर्ती है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ। इसका जो प्राइस है ना, ये 1000 के अराउंड है। तो इसके साथ आपको ऐसे अलग से ना ये इनर मिल जाएगा, ग्रीन कलर का, कॉटन मटेरियल में है। इतना अच्छा कलर दिया हुआ है इसमें, आपको 6 से 7 कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने ये ग्रीन कलर का पिक किया है और मैंने इस चिकनकारी कुर्ती को ना 2 डिफरेंट वे में स्टाइल किया है, एक जीन्स के साथ किया है, एक प्लाजो के साथ किया है। कौन सा लुक बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये भी ना प्योर चिकनकारी कुर्ती है, बैक में अगर आप देखोगे ना ऐसे उल्टा करके, तो ये भी हैंड से इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। पूरा इसका लेंथ आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा जो मैंने पहना हुआ है। कुर्ती ना आपको ऐसे स्ट्रेट शेप में मिल जाएगा और कुर्ती के फ्रंट साइड में ना ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरी कुर्ती में, बैक साइड में ना ये थोड़ा सा ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। बाकी पूरा कुर्ती बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही ऑसम कुर्ती है। प्राइस 1000 है बट ये प्योर चिकनकारी कुर्ती है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर पिक कर सकते हो। इस कुर्ती को किसी ओकेजन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, कॉलेज में भी पहन के जा सकते हो जीन्स के साथ, या फिर प्लाजो के साथ भी पहन सकते हो जैसे मैंने स्टाइल किया हुआ है, देख सकते हो आप ट्राई ऑन में। बाकी बहुत ही अच्छी कुर्ती है। मेरी जितने भी मैंने कलेक्शन पिक किए हैं मीशो से चिकनकारी के, काफ़ी यूनिक कलेक्शन पिक किए हैं। तो नेक्स्ट मैं जो शेयर करने जा रही हूँ गाइस, चिकनकारी कुर्ती है बट इसमें मशीन वर्क किया हुआ है, ये इसमें हैंड वर्क नहीं किया हुआ है। इसका जो प्राइस है ये 500 के अराउंड है और इसका जो मटेरियल है रेयन मटेरियल में है। पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इसमें आपको ऐसे मैंडेरियन कॉलर मिल जाएगा, मैंने जो पहना हुआ है इसको ऐसे फोल्ड करके पहना हुआ था वीडियो में। और आपको इसमें 3/4 स्लीव्स मिल जाएगा, स्लीव्स में भी ऐसे इसमें वर्क किया हुआ है, मशीन वर्क किया हुआ है। पूरी कुर्ती में ना आपको ऐसा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा, देख सकते हैं मशीन से किया हुआ है। मस्टर्ड कलर की कुर्ती है। साइज मैंने इसका स्मॉल पिक किया है, तो मैंने जो इस कुर्ती को स्टाइल किया हुआ है ना ऑफ वाइट कलर के ट्राउजर पैंट के साथ स्टाइल किया है। आप चाहो तो जीन्स के साथ भी इस कुर्ती को स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा कॉलेज एंड ऑफिस के लिए, एकदम परफेक्ट रहेगा। आप चाहो तो इसे रेगुलर बाहर शॉपिंग के लिए या फिर कैजुअली भी पहन सकते हो इस कुर्ती को, काफी अच्छी कुर्ती है। और हाँ, कुर्ती के बैक साइड में अगर आप देखोगे ना, तो पूरा ऐसा प्लेन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है। फिटिंग में मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी। अगर आपको ऐसे मशीन चिकनकारी वर्क पसंद है तो आप इस कुर्ती को पिक कर सकते हो, ऑफिस एंड कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये था इस वीडियो का सेकंड लास्ट चिकनकारी। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने जा रही हूँ गाइस, ये एक्चुअली मैंने कुछ और ही ऑर्डर किया था प्रोडक्ट और मुझे कुछ डिफरेंट ही रिसीव हुआ, लेकिन जो भी मुझे रिसीव हुआ इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। तो ये था 3-पीस कुर्ता सेट है, ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका कुर्ता और पैंट। कुर्ते का कलर है ना सेम कलर में आपको पैंट मिलेगा और पैंट आपको ऐसे इलास्टिकेटेड मिल जाएगा वेस्ट साइड से, और साइड में से पॉकेट दिया हुआ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका जो मटेरियल मुझे ऐसा लग रहा है चंदेरी टाइप का मटेरियल है, मुझे अच्छे से पता नहीं है जो भी मटेरियल हो, लेकिन अच्छा मुझे लगा इसका प्रिंट एंड कलर जो भी है। और इसका मैं कुर्ता शेयर कर देती हूँ गाइस, इसका जो कुर्ता है ना इसमें मशीन से ऐसा चिकनकारी आपको लगेगा वर्क, चिकनकारी टाइप का वर्क किया हुआ है, लेकिन मशीन से इसमें वर्क किया है। बाकी जो कुर्ता है ना थोड़ा सा सी थ्रू है, तो आपको न्यूड कलर का इनर कैरी करना पड़ सकता है। और इसका जो प्राइस है ना 700 या 750 के अराउंड था, लेकिन वो चीज़ मुझे रिसीव नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, लेकिन जो भी रिसीव हुआ है मुझे अच्छा लगा। इसका एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी लगी है, पूरा स्ट्रेट शेप का कुर्ता है, साइड से आपको ऐसे स्लिट मिल जाएगी कुर्ते में, बैक साइड से ना पूरा कुर्ता ऐसे प्लेन दिया हुआ है। कुर्ते का अगर आप नेक देखोगे ना, नेक में भी ऐसे मशीन का वर्क किया हुआ है चिकनकारी
के इल्यूजन देता है और इसका 3/4 स्लीव मिल जाएगा। कुर्ती की फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी, साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था तो मुझे स्मॉल ही रिसीव हुआ है। तो ये था इसका कुर्ता और इसका मैं दुपट्टा शेयर करती हूँ। गाइस इसका दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे एंड दुपट्टे का जो प्रिंट है ना वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड दुपट्टे की क्वालिटी विड्थ लेंथ बहुत ही परफेक्ट है। जैसा दुपट्टे का प्रॉपर लेंथ होता है ना वैसा ही लेंथ दिया हुआ है। तो दुपट्टे में अगर देखोगे ना तो इस लगा हुआ मिलेगा, बाकी पूरा दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगता है लेने पर। तो पूरा कुर्ता सेट आप ट्राई ऑन में देखना, जो मैंने पहना हुआ है काफ़ी अच्छा पीस है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ ये समर के लिए एकदम परफेक्ट रही है क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ पहना था ट्राई ऑन के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी तो समर में आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बाकी किसी डिफरेंट वेदर में आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं बैग जो मैंने मीशो से परचेस किया है, ये आपकी ऑफिस एंड कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले जो मैं शेयर करने जा रही हूँ इसका जो प्राइस रेंज है ना, ये लेदर मटेरियल में है और ये डार्क ग्रीन कलर में, अगर आप पास से देखोगे ना इसका कलर आपको विजिबल होगा, अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीवर 300 में है। तो इस बैग में ना आपको ऐसा सिंगल कंपार्टमेंट मिल जाएगा, देख सकते हो कि कॉलेज एंड ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, जो इसका प्राइस है ना उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये था फर्स्ट बैग जो मैंने परचेस किया था ऑफिस एंड कॉलेज के लिए। सेकेंड जो मैंने पिक किया है ये टोट बैग पिक किया है। गाइस पूरे बैग को देखो कितना अच्छा बैग है, पूरा बैग ना ऐसे क्वर्की प्रिंट में दिया हुआ है, टोट बैग है, आप इसे ट्रेवल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऑफिस एंड कॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी ऐसा सिंगल कंपार्टमेंट दिया हुआ है, देख सकते हो बैग में, एंड इसके अंदर जो फैब्रिक है इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी है। हाँ इसका जो प्राइस है 500 के आसपास है, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसे ऑफिस कॉलेज या फिर ट्रेवल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस तो ये था मेरा मीशो का चिकन करी हॉल जिसमें मैंने कुछ बैग्स भी शेयर किए हैं एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इनमें से कौन सा कलेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है।